मेरी और फादर अनायत की तरफ से आप सबको मुकद्दस जूलियस द फर्स्ट का यौमे जाल का मुबारक हो, जो 352 में खुदावन में सो गए। मुकद्दस जूलियस के पोप मुंतखब होने से कबल 4 महीने तक पापायत का ऑफिस खाली था, लेकिन मुकद्दस जूलियस जब पोप बने तो ये मुकद्दस मरकज के जानशीन ठहरे। मुकद्दस जूलियस ने एरिनिज्म की बिदत की डट कर मुखालफत की, क्योंकि एरिनिज्म की बिदत ये प्रीच करती थी कि मसीह खुदावंद इंसान है, खुदा नहीं। मुकद्दस जूलियस ने मुकद्दस एथनेसियस को भी रोम में पनाह दी, क्योंकि उन्हें अलेक्जेंड्रिया से एरियंस ने निकाल दिया था, जो मसीह खुदावंद की अलोहियत के इनकारी थे और मसीह खुदावंद को सिर्फ इंसान समझते थे। आज की पहली तिलावत में हम सुनेंगे जिसमें इशाया नबी कहते हैं कि खुदावंद ने शिकम ही से मुझे बुलाया और बात ने मातर ही से मेरे नाम का जिक्र किया। आज की इंजील मुकद्दस में हम सुनेंगे कि मसीह खुदावंद मुकद्दस पत्रस से कहते हैं कि मूर्ख बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे। आज की इंजील मुकद्दस की रोशनी में काहिन लोगों को 2 नुकात पर गौर करने की दावत देते हैं। यानी यहूदा अस्करियोती मसीह खुदावंद को पकड़वाता है, जो मसीह खुदावंद का नहायत काबिल एतबार आदमी है और ये मसीह खुदावंद का वजीर खजाना भी था। ये शख्स मसीह खुदावंद का वजीर खजाना होते हुए पैसे चोरी किया करता था और पैसे से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए उसने लालच में आकर मसीह खुदावंद को 30 सिक्कों में बेच दिया। दूसरे नुकते में काहिन ने लोगों को दावत दी कि वो मुकद्दस पत्रस के किरदार पर गौर करें। मुकद्दस पत्रस भी मसीह खुदावंद का नहायत काबिल एतबार आदमी था, लेकिन उसने भी मसीह खुदावंद का 3 बार इनकार किया। मुकद्दस पत्रस मसीह खुदावंद का वो शागिर्द था जिसे मसीह खुदावंद बहुत प्यार करते थे और उसे शागिर्दों का सरबराह भी कहते थे। याद रखिए, खुदा हमें बहुत प्यार करता है और उम्मीद है कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन।